कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आज होश में आओ, होश में आओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज चैनल पब्लिक लाइव न्यूज। और अभी हम हैं अरवल जिला के कलेर प्रखंड में और यहां पर देखें कि एक रैली निकाली गई है, सतर्कता एवं जागरूकता मार्च, विकास विरोधी भाजपा द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साजिश का पर्दाफाश करने के लिए प्रखंड स्तरीय ये रैली निकाली गई है और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हैं। आइए हम बातचीत करें। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर, कि क्या नाम है आपका और किस तरह की रैली आप निकाल रहे हैं? मेरा नाम हुआ साकेत कुमार टीपू शर्मा, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष कलेर है। ये हम लोग के आह्वान है पूरे बिहार में सभी प्रखंड पर। आज हम लोग एक भाजपा के खिलाफ में एक मार्च निकाले हैं। इस मार्च में सभी प्रखंड में सभी कार्यकर्ता जदयू के सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। अच्छा, तो किस तरह के मांग को लेकर के, चूंकि हमारे साथ इंजोर पंचायत के मुखिया विनय पटेल जी भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी पूछताछ करेंगे किस तरह की मांग को लेकर के आज की ये जो आपने जागरूकता मार्च निकाला है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? सबसे पहले मैं आपके मीडिया कर्मी को मैं अपने ओर से और जदयू की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पर हम लोग भाजपा के विरोध में एक रैली निकाले हैं, जागरूकता रैली, कि हम अपने देश को जागरूक करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि सत्ता से जब से बाहर बीजेपी हुई है, बिहार में मर्डर से लेकर के आपस में लड़ाई, हिंदू मुस्लिम में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। इस पर हम लोग को जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। हम लोग गांव गांव जाकर सतर्क कर रहे हैं कि होशियार रहना है। जुमलेबाज जो कि जुमलेबाजी केवल जानती है भाजपा, इसलिए हम उनको जुमलेबाजी से होशियार करने आए हैं, जनता को होशियार करने आए हैं। हमारे देश के नेता, नए नेता हमारे नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी ने हम लोग जो भरोसा किए थे उन पर, जो साथ दिए थे, उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ में नौकरी देने के लिए बोले थे, उस पर भी जुमलेबाजी की तरह हट गए। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाता में देने के लिए बोले थे, वो भी आज तक 1 रुपया तक नहीं आया। और नौकरी में कटौती करते जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जो है से निजीकरण करते जा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग सतर्क कर रहे हैं कि अगले बार जो 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग उनको, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। माननीय नीतीश कुमार को हमें देश का सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री पद पर हम लोग को बैठाना है और भाजपा को यहाँ से हटाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और साहब है हमारे साथ, वो भी, आपका क्या नाम हुआ, जरा शुभ नाम बताएं और किस वजह से आप यहाँ पर खड़े? चुके अभी उन्होंने कहा कि जुमलेबाज को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर ये लूट मार हो रहा, तो भाजपा तो कह रही है कि जब से जदयू राजद के साथ मिली है तब से फिर वापस ना है और यहाँ पर ये लूट मार हो रहा, तो भाजपा तो कह रही है कि जब से जदयू राजद के साथ मिली है तब से फिर वापस जंगल राज आ गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय पासवान है, जनता दल यू का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, दलित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का। तो भाजपा की जो सरकार है, ये बिल्कुल निरंकुश सरकार बन गई है, लोगों को ठगने का काम किया। ये प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और एक भी रोजगार पूरा करने में सफल नहीं हुआ। आज इनकी बौखलाहट बढ़ गई है। नीतीश कुमार को मैं नहीं कहता हूँ, पूरे देश में मीडिया का रिपोर्ट है कि आज़ादी के इतिहास में इस देश में जितने प्रदेश की सरकारें हैं उसमें सबसे तेज गति से अगर कोई काम करने वाला सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है। और विश्व लेवल का जो विकसित देश है, नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया पर्यावरण क्षेत्र में कि सेक्टर को एकदम शुद्ध करने का काम किया, जल जीवन पर्यावरण लगा करके इन्होंने, कि विश्व के विकसित देश, अमेरिका जैसे विकसित देश इनको इन्वाइट किया है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह का नेता नहीं है जो इन्वायरमेंट वातावरण को शुद्ध करने के लिए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम किए। तो भाजपा का बौखलाहट बढ़ गया है। आज पूरे देश में विपक्षी लोग एकजुट हो गए हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे और भाजपा बौखलाहट में, हमारे विपक्ष की जितनी सरकार देश में है उस पर ED CD मामला लगा करके इनको और कोई एजेंडा नहीं रह गया। इस देश में ना इनको एम्प्लॉयमेंट का मामला आ गया, सारे सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, रेल हो, बैंकिंग सेक्टर हो, जितने सेक्टर इंपॉर्टेंट है जिससे सरकार का राजस्व आता था उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया और देश में बेरोजगारी का इतना माहौल खराब कर दिया कि लोग दर दर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। पूरे देश के जनता
आज खिलाफ है 2024 में, इनको पता साफ हो जाएगा। इतना ही कर करके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। यहाँ दोस्तों